कश्मीर की पहचान लाल चौक से करीब 4 किलोमीटर दूर स्थित सोलिना में 3 दशक से वीरान पड़ी सिल्क फैक्ट्री की चिमनियों से धुआं निकलते देख मीरगुंड के गुलाम मोहम्मद अब्बास की झोंकी कमर में फिर जान आ गई है। जीवन के 70 बसंत पार कर चुके गुलाम मोहम्मद अब्बास कहते हैं कि आप नहीं जानते कि यह रेशम का कीड़ा और सोलिना की सिल्क फैक्ट्री हमारे लिए क्या अहमियत रखती है। मैं छोटा था तब पिता के साथ कोकून लेकर वहाँ जाता था, क्या मुलायम और महीन रेशम बनता था, अंग्रेज बड़ी दाद देते थे। यह बंद क्या हुई, बहुत से लोगों के घर का चूल्हा बुझ गया, कई ने तो काम धंधा ही बदल लिया। सोलिना स्थित सिल्क फैक्ट्री देश की ऐतिहासिक सिल्क फैक्ट्री है। यह 1989 में घटते उत्पादन और वादी में आतंकवाद के पैर पसारने के साथ बंद हो गई थी। वादी में करीब 40,000 परिवार रेशम के कीड़े पालते थे, इसी से वे घर चलाते थे। करीब 1 सप्ताह से फैक्ट्री फिर चालू हो गई है। रेशम के कीड़े पालने वाले किसानों के साथ रेशम से बना सामान बेचने वाले दुकानदारों और निर्यातकों की बातचीत खिल गई है।